मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में प्रभारी मंत्री ब्रजेश यादव ने मीडिया से चर्चा की। आपको बता दें कि अपने दो दिवसीय दौरे पर वे शाजापुर पहुंचे, जहां जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर मिलना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से लगाऊं, क्योंकि मेरा पहला ही कार्यक्रम था शाजापुर जिले का, और मैंने कल योजना समिति की मीटिंग भी ली, सभी अधिकारियों से चर्चा की, विकास के बारे में मैंने पूरी जानकारी ली। और मैं चाहता हूं कि इस कोविड काल में जो हमारे कुछ काम प्रभावित हुए हैं, जो लेट हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि समय सीमा में वो पूर्ण हो और क्षेत्र की जनता को जो शासन की योजना है उसका लाभ मिले।